हेलो दोस्तों, YouTube चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों SST की क्लास में यानी कि सामाजिक विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे इतिहास में आपका अध्याय 3 है आरंभिक नगर। दोस्तों इसके पहले हमने दो चैप्टर ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। पहला चैप्टर था कि कब क्या कब कहाँ और कैसे, और दूसरा चैप्टर जो हमने आपको पढ़ा दिया वो आखिर खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। तो जो स्टूडेंट उन दो क्लास को नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिएगा, उससे एक एक या दो दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसको हमने बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। तो जो क्लास अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका भी हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, यानी कि दोस्तों आपके SST का हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। तो चैनल पर आप चले जाएंगे, वहाँ पर आपको SST का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप जो भी आपका क्लास छूटा उसको आप देख सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों आज के क्लास का, तो यानी कि आज हम पढ़ेंगे आरंभिक नगर और इससे एक क्वेश्चन या आपके दो प्रश्न जो है आपके पूछे जाते हैं। और आपको बता दें कि आपके हिस्ट्री से जो है SST में यानी कि हिस्ट्री में आपके CTET एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको SST को बहुत आपको हिस्ट्री को बहुत ही अच्छे से कवर करनी है ताकि आपका 20 में 20 पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए। तो यानी कि दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ध्यान समझिएगा और जितने भी क्लासेस चले उसको आपको रोजाना देखना है ताकि आपका जो है केवल सिर्फ SST में जो है आप 55+ स्कोर आप आसानी से कर पाएंगे, लेकिन जब पूरा क्लास रोजाना लेंगे तब। ठीक है, तो अब चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले एक बार आप सभी इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड में, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय के क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में आप सभी को टेलीग्राम से जुड़ जाना अनिवार्य है, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, लिंक जाकर के जुड़ जाइएगा, अन्यथा आप एक्सेलेंट एग्जाम भी सर्च करेंगे तो भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं SST क्लास का जो टाइम है, तो हमने जो क्लास का टाइम रखा हुआ है वो रोजाना आपका जो क्लास चलेगा वो शाम को 7 बजे चलेगा। ठीक है, आप लोग क्लास का टाइम नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और 7 बजे आप लोग तैयार रहिएगा, 7 बजे आपको रोजाना क्लास मिल जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इतिहास नहीं, SST में हम आपको जियोग्राफी भी करवा रहे हैं, पॉलिटी भी करवा रहे हैं, हिस्ट्री भी करवा रहे हैं। ठीक है, तो जियोग्राफी से 10 क्वेश्चन मिलेंगे, पॉलिटी से आपके 10 क्वेश्चन मिलेंगे, जबकि आपके हिस्ट्री से आपके 20 क्वेश्चन CTET एग्जाम में पूछा जाएगा। जिस तरीके से कवर करा रहे हैं उस तरीके से आप अच्छे से पढ़ते हुए चलिएगा, और जो नए स्टूडेंट हैं तो विशेष तौर पर आप ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और ये बिल्कुल NCERT हमने बताया है कि आपका CTET एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट अगर हम बात कर लेते हैं, अगर आपको SST में आपको 55+ स्कोर करनी CTET एग्जाम में, तो आपको 6-8 NCERT को ही क्लियर कर लेनी है, और उसके बाद आपको PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो भी आपको 2011 से लेकर के 24 जनवरी 2024 जो एग्जाम हुआ है ये आपको अपने आपके पास होने चाहिए। इतने से ही आप SST को आप कवर कर पाएंगे और इसमें बहुत ही शानदार नंबर लेकर के आएंगे, इससे आपको एक्स्ट्रा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं। तो ये आपका तीसरा है चैप्टर आपका आरंभिक नगर, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो पिछले दो चैप्टर हमने आपको ये बताया था कि पहला तो था कि कब कहाँ और कैसे, यानी कि इसके बारे में अगर हम बात करें, और दूसरा चैप्टर में अगर हम बात करें तो आखिर खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक, ये सब चीज़ें हमने आपको इसमें इसके अंतर्गत हमने आपको पढ़ा दिया था। कहने का मतलब है कि आपको तिथियों का मतलब, ठीक है, ये सब चीज़ें हमने आपको पढ़ा दिया था, आरंभिक मानव हमने आपको पढ़ा दिया था, पूरा पाषाण काल के बारे में आपको पढ़ा दिया था, आग की खोज हमने पढ़ा दिया था आपको, बदलती जलवायु, खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में आपको अच्छे से समझा दिया था। ठीक है, और उन्होंने कैसे एक नवी जीवन शैली की कैसे उन्होंने शुरुआत की ये भी हमने आपको बता दिया, और आरंभिक कृषक और पशुपालक के बारे में कैसे उन्होंने कृषि शुरू किया ये भी हमने आपको बता दिया, और उन्होंने कैसे स्थायी जीवन की तरफ कदम रखा ये भी हमने आपको कवर करा दिया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जब स्थायी जीवन हो गई तो धीरे धीरे क्या हुआ कि समय बीतता गया, और समय बीतने के बाद जो है इन्होंने नगर की स्थापना की, यानी धीरे धीरे इन्होंने नगर में रहने शुरू कर दिए, यानी कि मानव जो है वो नगर में रहना शुरू कर दिया। तो अब यहाँ शुरू हो जाती है कि आपकी आरंभिक नगर यानी कि पहली नगर कैसे हुआ शुरुआत, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, और इससे एक सीटेड एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो पहला आपका आरंभिक नगर आता है वो है आपका हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता आपने नाम बहुत सुना होगा, हड़प्पा सभ्यता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की कहानी सुने,
यानी कि इसके बारे में हम आपको बताएंगे और इसके बाद जो है इससे क्वेश्चन जो भी आपका एग्जाम में आएगा वो आसानी से आप कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पहली बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, कहता है अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है, ठीक है। लगभग 150 यानी 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। यानी कि 150 साल पहले की बात हो रही थी, यानी कि जब उस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तो सब कुछ क्या था, एक में था। उस समय जब लाइन बिछ रही थी, यानी कि ये जगह अब इस समय कहाँ पर है भाई, पाकिस्तान में। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यह स्थान जो है वो कहाँ है इस समय, पाकिस्तान में, ठीक है। चलिए आगे कहता है कि उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यानी उस समय इसमें से खंडहरों में से जो ईंटें उखाड़ करके ले गए और रेलवे लाइन बिछाई गई तो उस समय इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं हुआ। वहाँ पर सिर्फ इंजीनियरों ने उससे ईंटें निकाले और अपना रेल लाइन बिछा करके चले गए, ठीक है। लेकिन बाद में उसके बाद लगभग 80 साल पहले, यानी कि अब से 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा तब पता चला कि यह खंडहर जो है वह उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहर में से एक है, ठीक है। कहता चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। यानी कि अगर हम बात करें सबसे पहले भाई यही मिला तो इसी को हमने मान लिया कि यह क्या है भाई, आपका पहली नगर है और इसके रिलेटेड जितने भी इमारतें मिली उनको हमने हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा, ठीक है। आगे कहता है कि इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ये पॉइंट आपको याद रख लेनी, ये आपको नोट कर लेना है कि यानी हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, ये जो शहर का निर्माण हुआ ये आज से 4700 साल पहले हुआ। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में सीटेट एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इन शहरों का निर्माण कब हुआ था, आज से 4700 साल पहले हुआ था, ठीक। आगे हम बात कर लेते हैं। कहता है कि प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं, क्या ये लगता है। चलिए आगे हम बात करते हैं इन नगरों की विशेषता क्या थी, यानी कि जो ये नगर मिली तो इनकी विशेषता क्या थी इसके बारे में जो है हम लोग यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। कहता इन नगरों में से कई को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। अब ये याद रखें, ये क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ से पॉइंट जहाँ पर आपको कह देते हैं कि ये सीटेट एग्जाम में पूछा गया इस पॉइंट को, उस पॉइंट को आप सभी नोट कर लिया करिए क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आपको सेम टू सेम इसी में से कोई कॉन्टेंट उठा कर आपसे सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो पुरातत्वविदों ने जो पश्चिमी भाग का, ध्यान सुनेगा, ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा, ठीक है, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा या निचला नगर दुर्ग कहा, ठीक है। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे, यानी उसकी चुनाई इस तरीके से करते थे ताकि वो दीवार जो है वो बहुत काफ़ी मजबूत रहे और लंबा समय तक चले, ठीक है। आगे कहता है कि कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहन जोदड़ो, ये आपने नाम भी सुना होगा मोहन जोदड़ो की, ठीक है। तो मोहन जोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, ये इसीलिए फेमस था मोहन जोदड़ो, ठीक है। मोहन जोदड़ो में क्या था, खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने
महान स्नानागार का, ये सेंटेंस आप याद रखिएगा। ये वाला पॉइंट जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यानी कि ये वाला कि मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था और जिसे पुरातत्वविदों ने इस खास तालाब को जो है महान स्नानागार कहा गया। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि महान स्नानागार कहाँ मिला था सबसे पहले, तो ये था आपके मोहनजोदड़ो में मिला था, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चार कोल की परत चढ़ाई गई थी, ठीक है। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, जैसे आज का स्विमिंग पूल है उसमें भी ये चीज़ें थी, ठीक है। और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी जो है कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था, ठीक है। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। आगे कहता है, और यहाँ पर इस पॉइंट का हम नोट करिएगा, ये इससे आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान समझिएगा। पॉइंट कहता है कि कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्नि कुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिलेंगे। तीन नाम याद रखिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले। अब थोड़ा सा हम आपको फिगर के माध्यम से समझा देते हैं, उसके बाद चीज़ें आपको और भी आसान लगेगा, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें, ये जितने भी नगर बसे थे ये कहाँ थे आज के समय में अगर हम बात करें, तो कहता है ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों की अनोखी वस्तुएं मिली, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मन के तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड भी मिले हैं। अब ये फिगर में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये है आपका सिंधु नदी, ठीक है। और ये सिंधु नदी ए मोहनजोदड़ो, ठीक है, ये है आप, ये क्या है, ये है पाकिस्तान में, ठीक है। ठीक है, और ये देख सकते हैं सोतका कोह, और यहाँ पर चंदूदड़ो यहाँ पर है, और ये देख सकते हैं, ये यहाँ आप देखेंगे ये कालीबंगा है, हड़प्पा यहाँ पर है, और ये देख सकते हैं राजस्थान, और ये देख सकते हैं धौलावीरा, ठीक है। ये धौलावीरा और सुरकोदरा ये है आपका गुजरात में, और ये देख पा रहे हैं लोथल, ठीक है, ये आपके किए जिसमें भारत। ये सभी एरिया का अगर हम मिला दें यहाँ, ये सभी एरिया का, तो ये है आपका आरंभिक नगर, ठीक है। यानी कि ये आपका क्या था, आरंभिक नगर था, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, और ये जो हमने आपको बताया था महान स्नानागार के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में, ये आप महान स्नानागार को आप देख लीजिएगा। इसमें सीढ़ियाँ भी बनाई और इसकी पक्की ईंटें से इसकी क्या जुड़ाई की गई थी, और इसमें उतरने के लिए दो तरह से सीढ़ियाँ, यहाँ एक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं और यहाँ पर एक सीढ़ियाँ यहाँ पर बनाई गई थी, ठीक है। ये था इनका महान स्नानागार, और इसमें जो पानी हुआ करता था वो कुएँ से इसमें भरा जाता था, ठीक है, और बाद में जो है इसको फिर इस पानी को बाहर निकाल दिया जाता था, ठीक है। तो देख सकते हैं ये ईंटे आज के ईंटे की तरह ही दिख रही है, जैसे कि आज का ईंटे है उसी तरीके से उस समय भी हुआ करती थी, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, कहता है कि भवन, नाले और सड़कें के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अब हड़प्पा की कहानी में हड़प्पा की जो नगर थी उन नगरों के बारे में अगर बात कर लेते हैं कि यहाँ के भवन कैसे थे, नाले और सड़कें कैसे थे, इसे सीटेट में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा, कहता है इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे, ठीक है, या एक मंजिल या दो मंजिल, ठीक। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानाघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। अगर हम बात करें तो अब चीज़ें आपको सुनने से ये नहीं प्रतीत हो रहा है कि लगभग जिस तरीके से हम लोग इस समय रह रहे हैं या गांव में जैसे घर बनते थे कुछ उसी तरीके से घर बनता था, कि आपका घर कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है, बीच में आंगन हो गया और इसके किनारे किनारे चौकोर क्या होते थे, आपके रूम कटे हुए होते थे, और इसी में आपके क्या होते थे, इसी में आपके बरामदा भी होता था और इसी में आपके किसी किसी घर में कुआं भी मिलता था, और इसमें नहाने के लिए अलग से बाथरूम बनाया जाता था, यानी स्नानाघर होता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि कई नगरों में ढके हुए नाले थे,
ठीक है, अब नाले की बात कर लेते हैं। तो कहता है कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। और नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, ठीक है, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले, सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था, योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। यानी कि इसमें जो भी नाले बनते थे वो टेढ़े मेढ़े नहीं बनते थे, ये सीधे सीधे बनते थे, एक दूसरे से सीधे मिलाए जाते थे। और इनमें क्या होती थी, नालियों में जो होती थी उनकी क्या होती थी, ढलान होती थी, हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। और बीच बीच में जो थे, ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि बीच बीच में जो है जहाँ पर मिलाया जाता था उसमें जगह छोड़ दिया जाता था, यानी कि मेन होल बनाए जाते थे जहाँ से इन नालियों को आसानी से साफ किया जा सके ताकि पानी आसानी से बह सके, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, ये जो आप फिगर यहाँ पर देख रहे हैं, तो जिस तरीके से ईंट की चुनाई होती है वो देख सकते हैं, यहाँ पर ईंट की चुनाई हो रही है, ठीक है। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चुनाई देख सकते हैं, इस कुछ इस तरीके से हो रही है। अगर इस फिगर को देखें तो आपको अब के समय का ध्यान में आएगा कि इस तरीके से अब भी होता है चुनाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर लेते हैं नगरी जीवन, यानी जो हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में जो नगरी जीवन कैसा था उसके बारे में बात करते हैं। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। कहता है कि हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। यानी कि इन्होंने इसमें लिपिक शब्द का यूज किया गया है, यानी कि ये लिखते भी थे जो कि इसमें कोई बच तो नहीं पाई है, लेकिन जिस तरीके से इनकी नगर था, ठीक है, जीवन शैली था, उस तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है। हम बात कर लेते हैं, आगे कहता है कि इसके अलावा नगरों में शिल्पकार जो है स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही, ठीक है, और साथ ही सुदूर देशों की किस्से कहानियां मिट्टी से बने खिलौने भी मिले जिनसे बच्चे खेलते होंगे। अगर ये बात करें, देख सकते हैं ये यहाँ के नगरों की एक कुआँ आप देख पा रहे होंगे, और चुनाई ईंटों की कुछ इस तरीके से किया जाता था, ठीक है। अब ध्यान सुनेगा, जैसे कि ये अपने यहाँ की जो प्रारंभिक नगर है जिसमें कि हड़प्पा की सभ्यता आती है, इसी तरीके से इस पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे ही नगर बसे होंगे। तो क्या थे उस समय में, जहाँ जहाँ भी नगरें होती थी तो वह समान मूल्यवान वस्तुएं एक दूसरे के यहाँ जाते थे, लेकर आते थे और प्रदान भी करते थे, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, कहता है कि सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला जो है और ऊपर एक कुआं है। तो देख सकते हैं ये भाई आपका सड़क है और ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका क्या था, नाला है, ठीक। एक कुआं बाई ओर और हड़प्पा की एक मुहर भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। इस मुहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है, उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। दाई ओर पकी मिट्टी के ये आपके खिलौने हैं, ये उनकी लिपिक है जो कि आज तक भी इसको पढ़ा नहीं गया है, नहीं जा सका है कि ये लिखा क्या गया, इसका अर्थ क्या है, ठीक है। तो ये है आपके भाई आरंभिक नगर के नगरी जीवन शैली, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं, आगे अगर बात कर लेते हैं कि इस नगर में नगर और नए शिल्प, यानी कुछ नगरी जीवन शैली भी आपने देखा, तो इसमें क्या शिल्प में क्या क्या चीज़ें होती थी उस समय, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कहता है कि आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के
नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों की जो चीज़ें वहाँ मिली उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। ये चीज़ें ध्यान में रखिए, एग्जाम पूछ सकता है कि अधिकतर जो चीज़ें क्या मिली, पत्थर, शंख भी मिले, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी, और तांबे और कांसे से औजार भी बनाए गए थे, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे, सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे, ठीक है। और यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और पलक, ये तीन शब्द याद रखिएगा। इनके जो मुख्य आकर्षक वस्तुएं जो बनाई गई थी वो था मनका, यानी कि मनके, बाट और फलक थे, ठीक है। और ये देख सकते हैं, ये जो ये ऊपर आप ये चित्र जो देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका एक प्रकार का क्या है, बाट है। बाट मीन्स क्या होता है, जो जैसे कि आज किसी सामान को आप तोलने के लिए बटखरा का यूज करते हैं, ठीक है। आप देखेंगे 1 किलो का, 2 किलो का, 250 ग्राम, 100 ग्राम का मंथन, तो ये वहाँ पर तोलने के लिए ये बाट बनाते थे। देख सकते कितना आसान, और ये देख सकते कितना चौकोर हुआ करता था, और एक ये इनका एक मानक गणना हुआ करता था, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने भी कह सकते हैं तौलने के लिए जो है ये पत्थरों का बहुमूल्य चीज़ें जो है बनाया था, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं जो कहता है कि मध्य में बाएं मनके, अब ये फिगर देखिए, अब इसके बारे में कहता है कि इसमें कई कर्लियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थर को काट और तराश कर मनके बनाए गए, इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद बात करते हैं कि मध्य में दाएं तरफ दाएं पत्थर के धारदार फलक, ये आपका क्या है भाई, आपका फलक है, ये क्या है, ये आपका पत्थर का फलक है, ठीक है। आगे बात कर ले, कहता है नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, इनमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया। ये देख सकते हैं ये कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है, और ये कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला, ठीक। आगे हम बात कर लेते हैं, कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरे बनाते थे, इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवर के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ठीक है। तो अगर इसको हम बात करें तो इसको हम पृष्ठ संख्या 6 पर आपको हम दिखा सकते हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें आपको बताते हैं ताकि चीज़ें आपको और भी समझ में आए गए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। अब ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर सबसे पहले 7000 साल पहले मेहरगढ़ में जो था वहाँ पर कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले। पकी मिट्टी तथा फैन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। अभी फैंस के बारे में आपको क्लियर करेंगे, पहले ध्यान सुन लीजिएगा। कहता इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना, ठीक है। अब कहता है कि आपको पृष्ठ संख्या 36 पर देखना है, कहता है मूर्ति पर चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है, यह किसी विशेष मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। ये आप फिगर देख पा रहे हो किस तरीके से ये बनाया गया है, इस पर मूर्ति के साथ साथ इस पर कपड़े की एकदम विशेष प्रकार की यहाँ पर आकृति को दर्शाया गया है, बनाया गया है, तो ये किसी विशेषज्ञ द्वारा उस समय बनाया गया होगा, ठीक है। आगे कहता है कि हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता, हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही, ठीक है, शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। अब हम बात कर लेते हैं फैंस के बारे में, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में शायद एक पूछा गया है, तो फैंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कहता है पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फैंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण
को गोद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्की समुद्री हरे होते थे। फेयंस से जो थे वो मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो फेयंस के बारे में आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे एक पॉइंट आप याद रखिएगा, ये सीटेट एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है कि फेयंस से क्या क्या बनाया जाता था। तो फेयंस से मनके बनते थे, चूड़ियाँ और बाले, जो कान में पहनते बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। और इसको कैसे करते थे भाई, बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोद में मिला करके हम वस्तुओं को बनाते थे और उसके बाद उस पर हम चिकनी परत चढ़ाते थे और चिकनी परत पर जो है चिकनी परत के रंग जो है हम क्या रखते थे, ये क्या रखते थे, या तो नीला होता था या हल्के समुद्री कलर के होते थे, जैसा यहां आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब एक बात और ध्यान सुन लीजिए, ठीक है। कहता है कच्चे माल की खोज, ठीक है, यानी कच्चे माल की खोज में अब इसके बारे में कुछ हम बात कर लेते हैं। कहता है कि कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, जैसे कि जो जमीन से हम खोद करके निकालते हैं, या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क जो है वो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था, ठीक है। और हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे, ठीक है, यानी कि दूर दूर से वह क्या करते थे, आयात करते थे, यानी कि खरीदते थे। आगे हम बात कर लेते हैं, कहते हैं हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे, यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन या आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक से और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ये पॉइंट आप नोट करिएगा, कहाँ से क्या आयात किया जाता था, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चित्र आपके सामने है। चलिए एक बात और यहाँ पर नोट पॉइंट देख लीजिए, कहता चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे लाया जाता था। कहता इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी एक मुहर है, ठीक है। ये है आपका भाई, एक क्या है भाई आपका, ये खिलौना है और ये क्या है आपका, एक तरह का मुहर है, ठीक। कहता है कि क्या आप बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए कौन किन साधनों का प्रयोग करते थे पिछले, ठीक है, ये चीज़ें हैं ध्यान रखिएगा। अब चलिए यहाँ शुरू करते, वो आपके क्वेश्चन दिया गया है। कहता है बच्चों का खिलौना हल, आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि हड़प्पा में भी यही प्रथा थी या फिर महिला और पुरुष दोनों करते थे। अब चलिए एक पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेगा। कहता नगरों में रहने वालों के लिए भोजन क्या था। तो कहता है कि लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे, ठीक है, ध्यान सुनेगा। कि लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, वे अनाज यानी कृषि करते थे, तो अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकों को खाने के सामान देते थे, ठीक। आगे कहता है कि पौधे के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ये आप याद रखें कि हड़प्पा में कौन कौन से फसल उगाए जाते थे, तो आपको नाम याद होना चाहिए कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिलहन और सरसों उगाते थे। आगे कहता है जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ नए तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई
की जाती होगी। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर बारिश कम होती थी, इसलिए इन्होंने ये कयास लगाए जाते हैं कि वहाँ पर सिंचाई के लिए जो है कुछ नए तरीके अपनाए गए, जिससे कि पानी को संचय करके यानी पानी को इकट्ठा करके आवश्यकता पड़ने पर इसको फसलों की सिंचाई की जाती थी। ठीक है, और ये देख सकते, ये आपका ये खिलौना है, एक प्रकार का क्या है खिलौना, और ये किस तरीके से लग रहा है आपके हल की तरीके से लग रहा है। तो इस तरीके से हम समझ सकते थे कि उस समय भी हल बनते थे, लेकिन किसके होते थे, लकड़ी के थे। कैसे होते थे, लकड़ी के। ठीक है, और वो इस समय आज मौजूद नहीं है। कहता हड़प्पा के लोग गाय भैंस भेड़ बकरियां पालते थे, और ध्यान सुनिएगा कि हड़प्पा के लोग कौन से जानवर पालते थे, यानी पशु में कौन से पशु पालते थे, ध्यान रखिएगा जानवर। तो इसमें कहा है कि हड़प्पा के लोग गाय भैंस भेड़ बकरियां पालते थे, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है सीटेट में। कहता बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक भटकना पड़ता था, यानी कि जाना पड़ता था। मवेशियों के झुंडों को, यानी जो आप जानवर पालते हैं जैसे भेड़ हो गया, बकरी हो गया, इनका झुंड, उन्हीं को हम मवेशी बोलते हैं। ठीक है, तो मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे अपने भोजन के लिए। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं कि गुजरात में हड़प्पा काली नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, इसके बारे में कुछ हम बात करते हैं, इससे भी कुछ आपके एग्जाम में मिलेगा। ठीक, कहता है कि कक्ष के इलाके में, ध्यान सुनिए, कक्ष के इलाके में खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। हड़प्पा का एक नगर था धौलावीरा, ये कहाँ बसा है, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये नोट कर लीजिए, ये आपके सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो कक्ष प्रांत यानी कक्ष के इलाके में खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन क्या थी, उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारी बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े प्रवेश द्वार थे, कहाँ पर, आपके धौलावीरा में। ठीक है, और इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। यह सीन आप ये चित्र भी देख पा रहे होंगे। कहता है गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल, अब ध्यान सुनिए गुजरात में ही लोथल भी बसा हुआ है और गुजरात में आपका धौलावीरा भी बसा, दोनों नाम याद रखिए, धौलावीरा और लोथल, ये दोनों गुजरात में, धौलावीरा आपके कक्ष में है। ठीक है, और ये आपका जो है आपका ये लोथल जो है ये आपका गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती, ठीक है, साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर था। ठीक है, तो लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन भाई, आपका लोथल। ठीक है, कहता है इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरे और मुद्रांकन या मुहर बंदी यानी कि नीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। कहाँ भाई, आपके लोथल में। तो लोथल में आपके क्या मिला, लोथल में आपको एक भंडार गृह भी मिला हुआ है। ठीक है, और कई मुहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी आपके यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, आगे इसमें कुछ कहता है, नोट पॉइंट कहता है कि लोथल का बंदरगाह, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया और उतारा जाता था। ये देख पा रहे हो, ये आपका क्या, आपका एक बहुत बड़ा तालाब था जिसको हम बंदरगाह कह सकते हैं, और यहीं से सामान का आयात और निर्यात हुआ करता था। ठीक है, ये है भाई आपका लोथल में, कहाँ पर है लोथल, और लोथल कहाँ स्थित है, आपके गुजरात में, और लोथल शहर कहाँ पर बसा था आपका, लोथल आपका साबरमती उपनदी के किनारे बसा था।
ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। कहता है कि यहां पर एक इमारत मिली है जहां संभवतः मन के बनाने के काम होता था। पत्थर के टुकड़े अधबने मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी यहां पर मिले हैं। ठीक है, अब कुछ इसके बारे में ध्यान समझ लीजिएगा कि मुद्रा या मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी क्या होती है, उसके बारे में ध्यान सुनिएगा। इस चित्र को आप देख लीजिए एक बार ध्यान से, ताकि चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी। कहता है मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं, यानी कि कोई सामान एक जगह दूसरी जगह भेजने के लिए इस तरीके से काम किया जाता ताकि उसमें से कोई सामान ना निकाला जा सके। ठीक है, और कहता है अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट, इससे आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए और पूछा जा सकता है कि सभ्यता के अंत का रहस्य, यानी जो आपका हड़प्पा सभ्यता था ये इसका अंत कैसे हुआ, क्योंकि ये आज भी सस्पेंस में है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये डेट याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा गया और डेट को याद रखिएगा। कहता है कि लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, लेखन मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया, दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया, मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यानी कि दोस्तों आज से 39 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने के लिए इस नगर में मिला कि अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। ठीक, लेखन मुहर बाटों का प्रयोग भी बंद हो गया, दूर दूर से जो कच्चे माल का आयात होता था वो भी काफ़ी कम हो गया, मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, यानी कि मोहनजोदड़ो में आपके जितने भी जो सड़कें थे उस सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली यानी जो जल के निकास के लिए जो नालियाँ बनाई गई थी वो सब भी नष्ट हो गई और सड़कों पर ही यानी जो सड़क बचे जो सड़क बनाए गए थे आने जाने के लिए उसी सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए लगे। ठीक है, झुग्गी नुमा यानी इस तरीके से आप समझ सकते हैं झोपड़ी नुमा। ठीक, कहता कि यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी, इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी, कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियां में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगर का विकास हुआ। इनके नगर में आप आगे हम बात करेंगे। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा कि इनकी जो यानी कि मोहन हड़प्पा जो सभ्यता थी इनका ये पूरा सिद्धांत तो क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन विद्वानों का मत है कि जैसे कि यहाँ पर पानी की कई जगहों पर पानी की किल्लत हुआ करती थी, क्योंकि खेती करने के लिए जो है थी क्या होता था कि सिंचाई करने के लिए फसलों की, तो क्या होता था कि नदी या तालाब बना करके उसको पानी को सिंचित किया जाता था, यानी इकट्ठा किया जाता था, आवश्यकता पड़ने पर फसलों की सिंचाई की जाती थी। तो विद्वानों ने यह भी मत दिया कि पानी की वजह से ऐसा हुआ होगा, ठीक है, या फिर बाढ़ आने की वजह से ऐसा हुआ होगा, या फिर जंगल में जो भी पेड़ लकड़ियां सूखने की वजह से ऐसा हुआ होगा। तो इस तरीके से जो है मिला जुला कर अगर कहें तो मालव सभ्यता का अंत हो गया आज से 3900 साल पहले। ठीक, लेकिन इसके बाद जो इसी में आगे कहा गया है कि इस सभ्यता का तो अंत हो गया, लेकिन इसमें कहा है कि यहां पर कि कई लोग उन्हीं में से कई लोग पूर्व दिशा में और दक्षिण दिशा के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर के बस गए और इस स्थान को क्या किए छोड़ दिए
और इसके लगभग 14 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। अब एक पॉइंट आपको यहाँ पर याद रख लेना, जो कि इससे सीटेट एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लेना है और ये आपके सीटेट एग्जाम में जो है आपके पूछा गया है। ये पॉइंट और ये डेट याद रखिएगा। कहता है कि मेहरगढ़ में जो कपास की खेती होती थी वो आज से लगभग 7000 साल पहले हुआ था, और ये नगरों का जो आरंभ हुआ था आज से 4700 साल पहले हुआ था, ठीक। आगे बात कर लेते हैं। कहता है कि हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत जो था वह आज से 3900 साल पहले हुआ था, जैसे अभी आपको बता दिए। अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ, यानी इसके समाप्त होने के बाद जो है 1400 साल बाद जो है, यानी कि आज से 2500 साल पहले नए नगरों का विकास हुआ है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि दोस्तों आज का ये क्लास, आज का सेशन ये समाप्त हो गया होगा और आपको समाप्त हो गया और आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, बहुत जल्द जो है आपको हमने 3 चैप्टर आपको कंप्लीट कराए और 3 चैप्टर का हम आपको क्वेश्चन ही बहुत जल्द आपको करवाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवा देंगे, ताकि चीज़ें आपको समझ में आए कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इन 3 चैप्टर को तैयार रखिएगा और बाकी नेक्स्ट क्लास में ध्यान सुनिएगा। अब जो हम हिस्ट्री का जो नेक्स्ट क्लास कराएंगे उसमें हम लोग अध्याय 4 पढ़ेंगे, यानी कि अध्याय 4 रहेगा कि क्या बताती हमें किताबें और कब्रें। ये छोटा सा चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग देख लेंगे। इस एक क्वेश्चन उससे भी मिलता है। टोटल अगर बात करें तो हिस्ट्री से टोटल आपके 20 क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में पूछा जाएगा, एकदम नाम तौर पर सीटेट एग्जाम में पूछा जाएगा। 20 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से मिल जाएगा, 10-10 क्वेश्चन आपके जियोग्राफी और पॉलिटिक्स से मिल जाएगा, और 20 क्वेश्चन आपके, क्या सुनेगा, 20 क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेगा, 20 क्वेश्चन 40 हो गया वैसे, 20 क्वेश्चन आपके किससे मिलेगा, आपके SST पेडागोजी से, SST आपके पेडागोजी से मिलेगा, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना है, तो 20 क्वेश्चन को भी हम आपको कवर कराएंगे। फिलहाल आप NCERT को आप कवर करते हुए चलिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और 3 चैप्टर का बहुत ही जल्द जो है हम आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया है। आप अब इन चैप्टर का पढ़ने के बाद कोई भी क्वेश्चन आप अटेंड करेंगे, आपसे क्वेश्चन अच्छे से बनेगा, ठीक है। रटना आपको बिल्कुल नहीं है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो चलते चलते एक बार आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट, और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, और टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा। इसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप एक्सीलेंट एग्जाम भी सर्च करेंगे, EXCELLENT एक्सीलेंट एग्जाम सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो भी चैनल आ जाएगा। और SST की जो क्लास चलेगा वो रोजाना शाम को 7 बजे चलेगा। इस चीज़ों का आप नोट करिएगा, और क्वेश्चन टॉपिक वही होगा जिससे कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके अलावा आपको SST में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। NCERT आप 6 से 8 कवर करिए और PYQ लगाइए, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।